हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसका आप वेट कर रहे थे, नेवीटेक एंट्री स्कीम के बारे में सेशन है। और इस सेशन में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, पहले वो सारी चीज़ें बताऊँगा। नंबर वन कि बीटेक के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू आप नेवी में कैसे जा सकते हैं, एक बात। TES में जो जो आपने रिलेटेड क्वेश्चन भेजे थे उनका डिस्कशन, और साथ ही साथ NDA 2 के बारे में एक कि किस तरह से आप NDA 2 के लिए प्रिपेयर करें। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं बता दूं कि इंडियन नेवी में जाने के लिए, देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर हम डिफेंस में जाने की बात सोचते हैं तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एंट्रीज का पता ही नहीं होता है, और इसलिए कई बार हम कई जगह पर चूक जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि डिफेंस में जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक थ्रू 12th के बाद जा सकते हैं, और एक ग्रेजुएशन के बाद। कंपेयर टू अगर हम देखें तो 12th के बाद एंट्री कम होती है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा एंट्री डिफरेंट फील्ड की होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस सेशन को पूरा एंड तक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। नंबर वन थिंग कि जब हम क्लास 12th में होते हैं तो क्लास 12th के परसेंटेज कहाँ कहाँ मैटर करते हैं, और डिफेंस में हम कैसे जा सकते हैं। तो डिफेंस में जाने का तरीका नंबर वन है NDA NA, यानी आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो NDA और NA है, जो UPSC कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है और उसके बाद SSB देनी होती है। NDA NA में आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के थ्रू, ये 3 विंग्स में आपको एंट्री मिलती है। पर इन थ्री विंग्स में जाने का सेकेंड रास्ता है, जैसे इंडियन आर्मी में जाने का टेक्निकल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं, TES जिसे बोलते हैं। सेकेंड, नेवी में जाने के लिए NAVI-TECH, जिसे हम एक्चुअल में वो होता है 10+2 BTECH, तो पर उसको हम नॉर्मली NAVI-TECH बोलते हैं, ये दूसरा है। और एयरफोर्स में जाने के लिए X या XY ग्रुप को हम देते हैं। अब जैसे जैसे इस बार मैंने एक चीज़ डिसाइड करी, जो जो चीज़ों की एंट्री आती जाएंगी, जो जो नोटिफिकेशन आते जाएंगे, मैं टाइमली आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल के साथ शेयर करूंगा, और फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन वो जरूर लूंगा जो आप रिलेटेड क्वेश्चन भेजेंगे। तो TES का जो पिछला सेशन लिया था उसमें जो जो आपने कमेंट्स करे थे, जो जो मुझे पर्सनली मैसेज करे थे, उन सबका भी मैं डिस्कशन यहाँ पर करना चाहूँगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हों। पर मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी बोलता था आज भी, कि कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन, इवन मैं भी दे रहा हूँ तो भी आप सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी में जाने के लिए NDA के अलावा हमारे पास इंडियन नेवी में जाने के लिए 10+2 BTECH एंट्री भी होती है, BTECH, और ये परमानेंट कमीशन होता है, कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन। कोर्स जो है वो 2020 के लिए है, जिसकी डेट ऑफ ओपनिंग है 31 मई 2019, लास्ट डेट है 17 जून, यानी 31 मई को इसका ओपनिंग होगा एग्जाम का, फॉर्म फिलिंग का, और आप 17 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, सबसे पहले हम देखें तो वो लोग एलिजिबल हैं जो 2 जुलाई 2000 से 1 जैन 2003 के बीच में पैदा हुए हैं। राइट, ध्यान से सुनिए, एलिजिबल कैंडिडेट क्या क्या हैं, 2 जुलाई 2000 से 1 जैन 2003 के बीच में पैदा हुए हैं। क्वालिफिकेशन क्या है वो देखें तो PCM में 12th में 70% मिनिमम मार्क्स आपके चाहिए। इसीलिए जब मैंने राज पटेल का एक वीडियो डाला था सिलेक्शन का, तो उसके एक्चुअल में 12th में 48% थे, पर फिर भी वो सिलेक्ट हुआ, तो बहुत बच्चों ने बोला था कि सर हमारे यहाँ बताया गया 60-65% 70 होना चाहिए। जब भी मैंने बोला था और अभी भी कि एंट्री किसके थ्रू ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, तो जब आप NDA NA के थ्रू एंट्री लेते हैं तो 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ रिटन टेस्ट होता है। TES जो है, अगर हम बात करें TES की, जिसके मैं अभी आऊँगा, या हम बात करें NAVI-TECH की, डायरेक्ट एंट्री है, यानी आपको यहाँ रिटन टेस्ट नहीं देना होता, डायरेक्ट SSB के लिए कॉल आता है। राइट, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 जुलाई 2000 से 1 जैन 2003। कौन कौन क्वालिफिकेशन है पहले सुन लीजिए ध्यान से, PCM में मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए 12th बोर्ड में, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो TES में नहीं, TES में भी 12th का 70% ही मांगा जाता है, बट TES में इंग्लिश नहीं देखते, NAVI-TECH में इंग्लिश का भी क्राइटेरिया, मतलब आपके 10th या 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए, नॉर्मली होते हैं। ये अच्छी बात है कि केवल 12th में नहीं देखते, अगर 12th में बाई चांस आपके इंग्लिश में आउट ऑफ 100 50 नहीं है तो 10th के मार्क्स भी चलेंगे। 50% का मतलब आप समझ लीजिए कि 10th में या 12th में इंग्लिश में 50%। फिर इसके अलावा अप्लाई कौन कर सकता है, ये तो क्वालिफिकेशन है, जिसने जेई मेंस 2019 दिया है उसको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ अप्लाई करना होता है। अप्लाई कहाँ पे करेंगे, www.joinindiannavi.com
navy.gov.in, जैसे इंडियन आर्मी के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी होता है वैसे ही नेवी के लिए ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन। सारी डिटेल यहाँ मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। अगर हो सकता है मैं कोई चीज़ गलत भी बता दूँ, वैसे पूरा ध्यान रखता हूँ, तो भी मैं आपको बोलूँगा हर चीज़ को वेरीफाई करो। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये बात लिखी रहती है कि केयरफुली पहले सारी इन्फॉर्मेशन भरें, रीड करें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। तो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाके फॉर्म फिल करना है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट impetusgurukul.com पर जा सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा पूरी इन्फॉर्मेशन बताना चालू करता हूँ और सुनिए ध्यान से। मैंने जैसे मैं हमेशा एक काम करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का प्रिंटआउट ले लेता हूँ, मैं आपको भी बोलूँगा आप ये प्रिंटआउट लीजिए। तो बिल्कुल क्लियरली क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी कंडीशन है एज बिटवीन 2 जुलाई to 1 जनवरी 2003। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है PCM, देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट हु अपेयर इन JEE मेंस 2019 फॉर BE/TECH एग्जाम कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मीन्स SSB विल बी इशू द बेसिक ऑफ JEE 2000 ऑल इंडिया रैंक। अब आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि सर कितने रैंक पर कॉल आता है। देखिए एक चीज समझिएगा बहुत ही क्लियरली, TES में भी ये क्वेश्चन आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ और कैसे कॉल आएगा वो भी बताता हूँ। इसके पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, डेट ऑफ ओपनिंग 31 मई, लास्ट डेट 17 जून, राइट। फॉर्म कहाँ पे भरना है, तो ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर। टैटू की कंडीशन दिए, पे स्केल दिया है, ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेजुटी दी है, लीव दिया हुआ है, स्पोर्ट एडवेंचर सब कुछ दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर का बिल्कुल सिंपल सा रैंक क्लियर कंसेप्ट है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं SSB बोर्ड ऑन JEE मेंस ऑल इंडिया रैंक 2019 उसके बेस पर शॉर्ट लिस्टेड करेगा, उसके बेस पे शॉर्ट लिस्टेड करेगा। और ये कब होगा वो भी सुन लीजिए। SSB इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल, कहाँ का शेड्यूल होगा सुनिएगा। नंबर 1 सिटी है बैंगलोर, नंबर 2 सिटी है भोपाल, नंबर सिटी है 3 है कोयम्बटूर एंड विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, यानी इसके लिए आपके पास जो कॉल आएगा वो आएगा अगस्त टू अक्टूबर के बीच में। ये आपकी SSB होगी अगस्त से अक्टूबर 2019 में, और इस बीच में NDA 2 के फॉर्म भी फिल करने होंगे। तो मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ वो सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, राइट। अब शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनके 2 स्टेज में एग्जाम्स होंगे, जैसा SSB होता है वैसा ही SSB है। SSB इंटरव्यू विल कंडक्ट इन 2 स्टेज। स्टेज 1 टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन। जो लोग ये क्वालिफाई कर लेंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे जहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्किंग टेस्ट, इंटरव्यू ये सब होगा। यानी ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है। चेंज ऑफ SSB इंटरव्यू नॉट पॉसिबल, आप चेंज नहीं कर सकते। आप सभी को मैं एक सजेशन जरूर दूंगा कि आप लोग अगर ये सेशन देख रहे हैं और भोपाल गुरुकुल इंपिटस अकेडमी से जुड़े हैं तो आप भोपाल SSB सेंटर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और इस बार इस NDA 2 के बैच में हमने SSB के सेशंस भी स्टार्ट कर दिए जो मैं आपको नेक्स्ट वीक में शेयर करना भी चालू करूंगा, जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। क्योंकि SSB के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्ट है कि ग्राउंड टास्टिंग या ग्राउंड पे परफॉर्म करना होता है, जबकि मैं बोलता हूँ सारा खेल है मेंटल एबिलिटी, यानी आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो वो ये चीज़ चेक करते हैं। ट्रेनिंग जो है वो जनवरी 2020 के लिए होगी, जिसमें 4 ईयर का आपका BTECH का प्रोग्राम होगा। इवन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, AC 3 टायर रेल फेयर, इन आपको AC 3 टायर का फेयर भी दिया जाएगा अगर आप SSB फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो। हाउ कैन अप्लाई, तो 31 मई से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कभी आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो आप एक टोल फ्री नंबर है 1-800-419-2929, इस पर बिटवीन 8 and 2 के बीच में कॉल कर सकते हैं। जब इस पर कॉल लगाएंगे तो डायरेक्ट 7 बटन दबाइए तो आपको NAVI-TECH के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बहुत क्लियर चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, आपको अपनी 10th की, 12th की और JEE मेंस 2019 की रैंक कार्ड को स्कैन करना है, बहुत ही क्लियरली स्कैन करके अपलोड करना है। अगर आपकी स्कैन क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ये हुई बेसिक बात जो मैंने आपको बताई।
अब जो आप क्वेश्चन भेजेंगे वो मैं बताऊंगा, पर इसके साथ साथ मैं DES के बारे में और ND2 के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं। इनफैक्ट मैं अपने पास मैंने क्वेश्चन जो लिखे जो आपके पूछे हुए उन सबके रिप्लाई दूंगा। अब सबसे पहली बात, आप में से कई बच्चों ने मुझसे TES के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा था और अभी आप NAVI-TECH के लिए भी पूछोगे कि सर हमारा कॉल आएगा कि नहीं। हमारे JEE मेंस में 40 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लाख है, ऑल इंडिया रैंक 2 लाख है, जो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर वन थिंग कि अगर आपका नॉर्मली अगर 40-50% के बीच में है, यानी अगर इवन आपके 50-60 मार्क्स भी हैं तो भी आपके कॉल आ सकते हैं JEE मेंस में। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो भी आपको कॉल आ सकता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट। क्या होता है, चाहे वो TES हो चाहे NAVI-TECH हो, एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा आप, इससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन जनरल बात करें, आप में से बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा यही कुछ पूछा है कि सर मेरे 75 में PCM में मुझे कॉल आएगा कि नहीं, 85 में मुझे कॉल आएगा कि नहीं, 95 में मुझे कॉल आएगा कि नहीं। सर 70% मिनिमम दिया तो कॉल तो आ ही जाएगा, कब तक आएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपने पूछी। आप देखिए समझिएगा, जैसे और दूसरा कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन बोला था कि सर अभी तो रिजल्ट नहीं आया, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया और भी स्टेट हैं जहाँ का रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए डेट जो है TES की लास्ट डेट है 8 जून और इसकी 17 जून, उसके पहले हर स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि अप्लाई करना और SSB के लिए शॉर्ट लिस्टेड होना, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिएगा, सबसे पहला डिफरेंस ये है और मैं आप सबको बोलूँगा आप हो सके तो सेंटर भोपाल लीजिएगा और फिर बाकी आपकी च्वाइस है। सबसे पहले डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि TES के थ्रू 90 सीट्स होती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो 90 ही सिलेक्ट करें, 90 उन्होंने क्राइटेरिया रखा। अब मान लीजिए कि 90 सीट के लिए 2000 को उनको कॉल करना, ये मैं रफली 90 सीट है फिर कहे पर 2000 को कॉल करना, मान लीजिए चार सेंटर SSB की, हर सेंटर पर 500 500 500 या मान लो 1000 1000 1000 व्हाटएवर। अब ये 2000 स्टूडेंट को उन्होंने कॉल किया, बुलाना है। अब क्या होगा कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड आप हो गए, यानी अगर मान लीजिए 100,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो 100,000 लोगों में टॉप 2000 बच्चे कौन से हैं उनको कॉल आएगा। 50,000 ने किया तो उन 50,000 में, अगर 20,000 किया तो उन 20,000 में, ये एक मैं रफली फिगर बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 50,000 लोगों ने अप्लाई किया पर 90% के ऊपर ही मान लीजिए 2000-3000 बच्चे, तो फिर हो सकता है 85% वाले का भी कॉल ना है। पर मान लीजिए कि 80% वाले ही 2000 बच्चे हैं तो 80% वालों को भी कॉल आ सकता है। तो ये क्राइटेरिया को थोड़ा समझिए, थोड़ा लॉजिकल रियलिस्टिक होकर सोचिए। क्या होता है आप जब क्वेश्चन करते हैं तो मुझे कई बार ये लगता है कि आप थोड़ा सा आपके लॉजिकल थॉट्स क्यों नहीं, क्योंकि आप जिस एग्जाम में जा रहे हो यहाँ तो पूरा लॉजिक का गेम है, मेंटल लेवल कैसे चेक किया जाएगा, वही काम NAVI-TECH में होगा। उन्होंने अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 12th का 70%, 10th और 12th में इंग्लिश में 50% और JEE मेंस की रैंक। अब JEE मेंस की रैंक के जो टॉप कैंडिडेट होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया तो है ही, साथ में हो सकता है वो परसेंटेज चेक करें जो भी, पर नॉर्मली ये JEE मेंस की रैंक के हिसाब से कॉल करते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया ही। तो जो JEE मेंस के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनमें से जिनकी सबसे अच्छी रैंक होगी, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो टॉप पे होंगे, उनको वो कॉल करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि कब हमारे पास कॉल आएगा। जैसे ही एग्जाम डेट खत्म होगी आपको रोल नंबर अडॉप्ट किए जाएंगे, फिर आपको जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो वो एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, वो इस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं वो आप चेक कर पाएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आप SSB के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना होगा, और अगर शॉर्ट लिस्टेड नहीं है तो रिटर्न टेस्ट देना होगा। इसीलिए मैं आप सबको एक बात बहुत क्लियर बोल दूं कि आप TES के या NAVI-TECH के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको ND2 की प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट करना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई आप वो गलती ना करें। अभी इन पे भी आता हूँ क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर वन में बात करूँ कि ND2 के लिए एज लिमिट क्या है वो भी बता देता हूँ, TES के लिए क्या है वो भी एक बात आपको डिस्कस करता हूँ। तो ND2 की अगर बात करूँ तो ND2 के लिए ये 2004 के बीच में होना चाहिए, राइट। और इसकी एग्जाम डेट जो है वो 17 नवंबर है और फॉर्म आएंगे 7 अगस्त से ओपन होंगे और 3rd of September तक आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म फिलिंग है अगस्त में और यहाँ पर भी अगस्त अक्टूबर है, तो अब आप कैसे बता सकते हो, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात
क्योंकि एसएसबी में नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, इनकेस अगर आप किसी भी राउंड में आउट हो गए तो आप ऐसा ना हो कि एनडीए 2 से भी हाथ धो बैठे, इसलिए एनडीए 2 की प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट आपको कर देनी चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें टीईएस की, तो टीईएस की एज लिमिट देखिए क्लियरली दिए बिफोर 1 जुलाई 2003 बोथ इंक्लूड है, राइट। और मतलब एक बेसिकली देखें तो 16.5 से 19.5 साल। तो हम सबसे पहले समझें कि 12th के बाद हमारे पास जाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं, यही अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, वो मैं ग्रेजुएशन वालों के साथ अलग सेशन लूँगा, अभी मेरा सेशन बिल्कुल अलग है। तो अब सबसे पहले हम समझें इसकी भी लास्ट डेट 8 जून है। तो अब क्या होता है, अब हमारे पास क्या चीज़ है जिसको हम समझें, जो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि इनके शॉर्ट लिस्टेड में आपको कुछ नहीं पता कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। धीरे धीरे क्योंकि अवेयरनेस बढ़ने लगी है, आजकल मैं जब ये सेशन लेता हूँ मैंने देखा कि बच्चों को, कई बच्चे लिखते हैं सर हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी एप्लीकेंट भी बढ़ेंगे, एप्लीकेंट बढ़ेंगे तो हो सकता है टॉप रैंक वाले भी अप्लाई करें। ऐसे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए ऐसे में हम अपने आप को केवल इनके भरोसे न छोड़ें। दूसरा, कई सारे बच्चों ने मुझे टीईएस के लिए पूछा है कि मेरे परसेंट 90 है नाउ स्टार्ट एसएसबी प्रिपरेशन, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर एसएसबी के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है उसका सेशन आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा, उन सेशंस को जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि डे वन में क्वेश्चन ईयर जो होता है उसके पहले भी आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, वो चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, आपको भी पता है। तो आप अपने आप को एसएसबी के लिए, तो जिस दिन आप ये सोचते हैं कि डिफेंस में जाना, एक्चुअल में आप उस दिन से अपने आप को तैयार करना चाहिए, आपको फिजिकली मेंटली इमोशनली हर जगह से हर एंगल से बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हो ये इंपॉर्टेंट है, सबको साथ लेके कैसे चलते हो ये इंपॉर्टेंट है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके लॉजिक्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसलिए मैं बिल्कुल क्लियरली बोल दूँ कि होगा ये कि 8 जून के बाद जून मंथ में आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, जुलाई अगस्त में आपके पास वही सेम प्रोसेस होगा, जुलाई अगस्त में आपके पास एसएसबी के लिए कॉल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए। इन केस नहीं आया तो फिर आपके पास एनडीए 2 ही ऑप्शन है। तो ऐसे में मैं आपको ये बोल दूँ कि अगर आप एसएसबी पे ही फोकस हो जाएं तो ये गलत होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो सबसे पहले जितने लोगों ने जेईई मेंस 2019 दिया है और आपके 12th में 70% अबव हैं तो आप तुरंत अप्लाई करें, आपके लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेवी में जाने के लिए, कोई डाउट ही नहीं। 12th में अगर आपके 70% से ऊपर हैं तो आप टीएस के लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों में अप्लाई करने में कोई फी नहीं लगती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, यानी आपको केवल अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, बस आपको अपनी 10th 12th और अगर आप नेवी-टेक में जा रहे हैं तो जेईई मेंस की रैंक को स्कैन करना है, पर बहुत ही क्लियर स्कैनिंग होना चाहिए, तो आपकी स्कैनर क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, आप स्कैन करके अपलोड करें। नॉर्मली देखा गया है कि टीईएस में 80 या 85% वालों के 80 है अगर के ऊपर है तो चांसेस हैं, 85 के ऊपर बहुत चांसेस, 90 के ऊपर लगभग 100% चांसेस हैं। बट अगेन इस बात को आप मेरी लेके नहीं चल सकते कि ऐसा होगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर दिस ईयर, किस तरह के बच्चे अपेयर हो रहे हैं इस साल, किस तरह के बच्चों ने अप्लाई किया इसके ऊपर। वैसे ही नेवी-टेक में भी देखें तो 50% वाले बच्चों को, यानी कट ऑफ से नीचे वालों को भी कई बार कॉल आता है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर किस साल क्या होगा ये नहीं बोल सकते, आप अप्लाई तो कर ही दें। अब ये अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपका काम है अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आप इमीडिएटली एनडीए 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एक बैच स्टार्ट हो गया, मैंने उसका मॉड्यूल बताना चालू कर दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, कुछ सेशंस मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। आप में से बहुत सारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आपको हर एक वो चीज़ पता चलती रहेगी जो हो रही है। आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे सेशन जो होते हैं आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी करने के लिए भी बताएं, तो सेशन आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के कमिटमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ों के बाद बात आती है कि एसएसबी के लिए हम क्या करें। तो एसएसबी के लिए सबसे पहले दिमाग में रखिए कि कुछ अलग से नहीं करना होता है आपको। एक तो जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होना चाहिए, करंट अफेयर्स आपके क्लियर होना चाहिए, वर्ल्ड इवेंट्स आपके क्लियर होना चाहिए, हिस्ट्री पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, आपकी हॉबीज़ जो हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में आप अगर कोई चीज़ हॉबीज़ बोलते हैं तो आप उसके बारे में क्लियर बोल पाएँ।
ग्रुप में परफॉर्म करने की आदत होना चाहिए, मेंटली डिसीजन, जैसे अभी जो कुछ हुआ इलेक्शंस के पहले इलेक्शन के बाद, हर एक पे आपके अपने एटीट्यूड क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेवलप करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा, अब आपको जो भी NAVI-TECH से रिलेटेड डाउट हों, क्वेश्चंस हों, वो मुझे आप भेजें सेशन के, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। और अब मैं बात करता हूँ, जो आपने मुझसे क्वेश्चन भेजे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं NAVI-TECH के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक है मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करूँगा। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने आप को किसी भी समय कभी भी ना छोड़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें आपने पूछी हैं, मैं बताता चलता हूँ। सर, दिस ईयर आई एम इन 11th एंड आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर NDA फॉर नाउ ऑनवर्ड। तो प्लीज़ मेक, बिल्कुल 11th और 10th के लिए मेरा नेक्स्ट वीक में सेशन आ जाएगा, चिंता मत करिएगा आप। नेक्स्ट है सर, NDA में कितना चांस होते हैं, कितनी एज तक 12th पास के लिए? सबसे पहले याद रखिए कि नॉर्मली NDA के लिए किसी भी स्टूडेंट के बाद पास 5 से 6 चांस होते हैं, पर डिपेंड ऑन एज। बेसिकली 16.5 से 19.5 का टाइम होता है। और एक बात याद रखिए, जितनी बार आप NDA के लिए एलिजिबल होते हैं, NDA देने के लिए, उतनी ही बार आप TES या आप NAVI-TECH के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और ये हमेशा NDA के एग्जाम के बाद होता है, इसके लिए अप्लाई करना होता है। यानी अगर आप NDA के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, राइट? दूसरा एक बच्चे ने पूछा है मुझसे कि सर मैं क्लास 12th में हूँ, क्या मैं TES के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, फिर आपने गलत क्वेश्चन पूछा। आप TES के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? TES के लिए क्वालिफिकेशन ही है कि 12th में 70%, तो अपेयरिंग 12th स्टूडेंट कैसे कर सकता है? तो यही छोटी छोटी चीजें कई बार गड़बड़ होती है, पर आपके जो भी डाउट हैं वो मैं बताता चलूंगा। सर, आई हैव स्कोर 120 इन मैथ्स आफ्टर फुल नेगेटिव मार्किंग एंड 200 इन GAT आफ्टर फुल नेगेटिव मार्किंग, सो कैन आई रिटर्न? यस, ऑब्वियसली अगर आपके NDA 1 में 125 मैथ्स में हैं और 200 प्लस अगर GAT में, तो बिल्कुल चांस है कि आपका NDA 1 क्लियर हो जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा। आप SSB की प्रिपरेशन के साथ साथ NDA 2 की भी प्रिपरेशन करें। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 13। अब देखिए, जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफिशियल साइट पे जाओ, 13/10/2000 है, तो क्या मैं NDA 2 के लिए एलिजिबल हूँ? तो देखिए, NDA 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 2001 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली 2000 वाले बच्चे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझसे पूछा है, मेरा मुझे अच्छा लगता है कि मैं बताऊं, पर मैं आपको बोलूँगा कई चीज़ें आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। सर, NDA 1 में मेरा स्कोर 560 है, 560 पे बिल्कुल 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 संभावना है कि आपका कॉल आएगा, कोई चांस ही नहीं। आपने इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं लिखे, नहीं तो और अच्छा होता। सर, आई गॉट 63%, कैन आई अप्लाई फॉर NDA? यस, NDA में परसेंटेज नहीं देखे जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, व्हेन यू विल गिव द आइडिया ऑफ NDA ऑफ क्लास 10th 11th? नेक्स्ट वीक में आपको क्लास 11th एंड 10th के वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा। फिर मैं 12th अपेयरिंग वाले बच्चे, बेटा इसको अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, कोई एक बच्चे ने पूछा इसके लिए फी नहीं लगती। सर, इफ़ देयर इज एनी सेशनल कट ऑफ फॉर GS इंग्लिश? नो, आप याद रखिएगा, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक GAT का होता है। GAT के सेक्शन होते हैं इंग्लिश के अलावा, फिर होता है GS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं आपको बता दूं कि एक मैथ्स का कट ऑफ होता है इंडिविजुअल और एक GAT का होता है, इंग्लिश या GS के लिए सेपरेट नहीं होता। कई लोग ये मिसगाइडेड हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन कोर्स से कैसे पढ़ें? देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोर्स से इम्पीटस गुरुकुल के जुड़ना चाहते हैं तो impetusgurukul.com की वेबसाइट पर विजिट करें, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, उससे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। एक और बच्चे ने पूछा क्वेश्चन, सर आप प्लीज़ बताओ कि अगर हम रिटर्न में ही क्वालिफाई हो गए 750 मार्क्स और SSB में अप डाउन हो गए तो सिलेक्ट होंगे कि नहीं? देखिए, पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इवन मैं अभी आपके साथ राज का भी स्कोर शेयर कर दूंगा, बता दूंगा, या पिछले इस साल का जो कट ऑफ गया NDA 1 के लिए, सॉरी NDA 2 का जो पिछले साल एग्जाम था उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बात कर दूं कि आप NDA 1 में जितना ज़्यादा स्कोर लाएंगे आपके लिए वो उतना अच्छा है, बट एक चीज़ क्लियर रखिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका क्या गया स्कोर, मैं बताना चाहूँगा कि जो NDA 2 था 2018 का,
उसका ऑफिशियल कट ऑफ आ गया है, जिसमें मैथ्स का ऑफिश मैथ्स में कितने होना चाहिए, मतलब उन्होंने ऑफिशियल ऐसे दिया है 325 पेपर वन में, मतलब 325 रिटन टेस्ट में और 363 SSB में, ये मिनिमम गया। यानी जिसके 325 नंबर, सुनिए ध्यान से, जिसके 325 नंबर मैथ्स और जीएटी में मिला के वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है। मैथ्स का अलग होता है और जीएटी का अलग, वो भी बताता हूँ। और जिसके एसएसबी में 363 मार्क्स हैं वो बच्चा फाइनली रिकमेंड हुआ है। अब बात आती है कि हम कैसे इस चीज़ को समझें। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बहुत अच्छे से, जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि राज की, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बच्चे हैं पर क्योंकि आपने उसके वीडियो सेशन देखा इसलिए मैं उसका हमेशा नाम लेता हूँ। अगर हम राज की बात करें तो राज के मैथ्स में थे 118 मार्क्स और जीएटी में थे 253, राइट। और इस तरह से इसका ओवरऑल स्कोर था 372, मिनिमम कितना था 325 था 372। फिर बात करते हैं एसएसबी में, तो राज का एसएसबी में स्कोर था 374, राइट। कितना चाहिए था 363 मिनिमम, 374, राइट। तो ये एक चीज समझिए। अब रिटर्न टेस्ट में मान लीजिए रिटर्न का उन्होंने 363 रखा है, आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर सर मेरे रिटर्न में 750 मार्क्स आ जाएं तो क्या, अब 750 मार्क्स आने पर अगर आप देखें 750 मार्क्स आने पर तो आपका स्कोर तो दोनों के स्कोर से ज़्यादा हो रहा है, तो एसएसबी में 0 मार्क्स आने पर सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं। एसएसबी का मिनिमम कट ऑफ चाहिए, पेपर वन का मिनिमम कट ऑफ चाहिए, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका फायदा आपको रैंक में मिलेगा। यानी अगर आपके रिटर्न टेस्ट में अच्छा स्कोर है तो आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी, और रैंक ज़्यादा अच्छे होने से आपकी विंग्स ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ये एडवांटेज होता है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि केवल रिटर्न टेस्ट में अच्छा स्कोर लाना ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कट ऑफ से अगर आप जितना ऊपर लाएंगे उसका फायदा आपको फाइनल रैंक में मिलेगा, एसएसबी में नहीं, पर एसएसबी में भी मिलता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जब एसएसबी में आप जाते हैं, आप सोचिए कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर आपके 500 मार्क्स हैं तो उसके ऊपर आपका एक अलग इंप्रेशन आएगा, 350 मार्क्स हैं तो अलग आएगा, क्योंकि आपने रिटर्न टेस्ट में परफॉर्म किया, ये बात उसके नॉलेज में है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि रिटर्न टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, बट उससे एसएसबी कंपनसेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने पूछी हुई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें आपने पूछी हैं उसमें मैं जब सारे क्वेश्चंस के नहीं, जो आपने नॉर्मली जो किसी के 60% है तो ऑब्वियसली TES अप्लाई नहीं कर सकता। ये TES का जो मैंने सेशन लिया था उसके ऊपर पूछे गए क्वेश्चन है। सर मैं 2018-12 आर्ट्स से हूँ, अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट TES अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, फिर अगेन वही बात आ गई। आर्ट्स वाले स्टूडेंट, वैसे इंडियन आर्मी में NDA के थ्रू आर्ट्स वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले जा सकते हैं, बट TES के थ्रू नहीं जा सकते क्योंकि उसका क्राइटेरिया PCM के थ्रू है। यानी ये एक समझने वाली बात है। इंटर में 50% है तो क्या मैं NDA के लिए पेपर दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं। 12th के परसेंटेज से अगर कम है, 12th में आपके 70% से कम है तो NDA का एग्जाम आप दे सकते हैं। यानी सबसे अच्छी बात है कि डिफेंस में एक चीज अच्छी रखी कि अगर 12th के परसेंट वाले बच्चे भी जा रहे हैं, पर अगर किसी के बाई चांस 12th में परसेंट कम है तो उसके पास एक रिटर्न टेस्ट के थ्रू एक ऑप्शन होता है कि वो उस एग्जाम में जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है। तो मैंने लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है और पूरी कोशिश करी सारी इन्फॉर्मेशन सही दी, फिर भी मैं बोलूँगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारी चीज़ों के लिए ऑफिशियल साइट जाओ। जैसे जब मैंने TES के लिए लिखा था, मेरे पास TES का भी प्रिंट लेके बैठा था, तो आप joinindianarmy.gov.in पे जाओ, joinindiannavy.gov.in पे जाओ, वहाँ पे बहुत डिटेल में सारी चीज़ें दी, आपको हर एक क्वेश्चन इवन FAQ दिया होता है, जो जो आपके डाउट्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे भेजें, मैं जो अगला सेशन लूँगा वो इन दोनों के कम्बाइंड के साथ लूँगा। दूसरी बात, आप सबको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा कि NDA के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि कई बच्चों ने बोला है सर 12th में 90% है तो क्या हम SSB पे ही फोकस करें। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि SSB का कॉल आने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये मान के चलिए कि जुलाई के बाद ही आएगा TES या NAVI-TECH का, क्योंकि उनके नॉर्मली SSB जो होता है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर में होता है। तो इसलिए आप खाली ना बैठें बल्कि एक प्रॉपर मॉड्यूल के साथ पढ़ाई करें,
मैंने आपको पिछले इस वीक में ही एक सेशन दिया था जिसमें मैंने बताया था एनडीए 2 में क्लास में क्या स्टार्ट हुआ, उसका पर्पज़ ही यही था कि आप उसी ऑर्डर में पढ़ाई करें, इन इन चीज़ों को कवर करें। तो हर वीक इस तरह के सेशंस मिलेंगे जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, या जीएस में क्या पढ़ना है, या इंग्लिश में, पर आप अपने लेवल पे भी पढ़ाई करें। और आप 12th कर चुके हैं तो आप अपने लेवल पे जितना हो सकता है पढ़ाई चालू कर दें। अब टाइम कम होता जा रहा है, देखिए हम 6 महीने बोलते थे, अब 6 महीने से भी कम समय हो गया है, दिन निकलते जाएंगे अगर आपने एक्शन नहीं लिया। और डिफेंस में जाना है तो एक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एसएसबी में अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोटेबल होती है तो वो होता है एक्शन। आपको बोला और आपका एक्शन रिएक्शन टाइम कितना फास्ट है इसके ऊपर एसएसबी डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखिए कि वहाँ जाके कुछ नहीं होगा, उसकी तैयारी यहीं पर होगी, स्टार्टिंग में होगी। यानी आपको हर दिन अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना है। तो नाउ स्टार्ट कि आप अपने आप को तैयार करें और इमीडिएटली फोकस हो जाएं। और आप अगर टीएस के लिए या नेवी टेक के लिए एलिजिबल हैं तो तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें, कोई फी नहीं लगेगी, साथ में एनडी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।